बंटवारा मांग रहा है तुम्हारा बेटा जानकी, हमारी अपनी जायदाद में से उसका हिस्सा मांग रहा है। अरे अभी तक पहला मौसम नहीं देखा, पहली फसल भी नहीं काटी, कभी पहली मेहनत नहीं की और बंटवारा मांगने पर उतर आया है। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे समझाया था कि नया धंधा शुरू करने में आप उसकी मदद करेंगे और वो मान भी गया था। वो एक पल में कितना बदल सकता है तुम जानती नहीं हो उसे जानकी। मैं समझाऊंगी उसे। तुम अकेले भी तो नहीं हो उसे समझाने वाली, उसकी बीवी भी तो है उससे बात करने वाली, उसका वो साला भी है उसे फोन कर दे करके उसको चढ़ाने वाला। मुझे तो शक है कि वो कुसुम भी उसे फोन करती रहती होगी। कुसुम? वो फोन क्यों करेगी उसे? क्योंकि उसने भी मुझे भी फोन किया था कल। तुमने भी फोन किया था? क्या कह रही थी वो? वो माँ, वो कह रही थी कि भिमानी परिवार के 5 बच्चों में से एक बच्चा इस परिवार का नहीं है, गोद लिया गया है। लो कौन कौन गोद लिया हुआ है ये तो उसने मुझे नहीं बताया पापा, और यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। क्या ये सच है? झूठ बोल रही है वो। तुम तो जानते हो उसके इरादे, वो इस घर को तोड़ना चाहती है। ऐसे तो हजार कहानियां बनाएगी वो। हाँ, कहानियां और हकीकत, इन दोनों के कहने में फर्क सुनाई देता है। फिर भी अपने बच्चे और गोद लिए बच्चे के बीच कभी हमारी ममता में फर्क दिखाई दिया है? खासकर 4 अपने और 1 पराया हो तब, कभी देखा है वो फर्क? नहीं मम्मी, हमें दिखाई तो दिया होगा मम्मी, पर हम समझ नहीं पाए होंगे। हमें सोचने के लिए तैयार रहना होगा।